नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कैनन का EOS M50 DSLR कैमरा है दोस्तों, मिररलेस कैमरा है जिसका प्राइस जो है काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। और इस वीडियो में हम इसके फीचर्स डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इसके क्लियरिटी के बारे में बात करेंगे, इसके रिजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसे कंपेयर भी करेंगे करेंगे इस वीडियो में दूसरे अलग ब्रांड से और दूसरे मॉडल से भी। और इसमें हम आपको प्राइस भी कंपेयर करके बताएंगे दूसरे सेलर से भी कि आपको कहाँ में सबसे सस्ता मिल सकता है, और दूसरे ब्रांड के साथ भी कंपेयर करेंगे और इसके फीचर्स और डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो कैमरा का यहाँ पे डिटेल्स बताने के लिए आपको रखा है, वो कैमरा का जो मॉडल नंबर है M50 है और ब्रांड तो आप जानते हो, देख के पता चल रहा है। इस पे लिखा हुआ है कैनन EOS M50 और इसका जो मिररलेस कैमरा है ये ब्लैक कलर में है और इसका जो पिक्चर जो हाई मैक्सिमम रिजोल्यूशन है दोस्तों 24.1 मेगापिक्सल का है, काफ़ी बेहतर है। और अगर हम इसका जो बात करें दोस्तों, ये लेंस के साथ मिल रहा है EF M15-45 इस STM लेंस के साथ मिल रहा है और कैनन ब्रांड का है। और रेटिंग का बात करें दोस्तों तो 77 लोगों ने रेटिंग दिया है 4.5 का, मतलब काफ़ी अच्छा इसका रेटिंग भी है दोस्तों। और अगर हम यहाँ में प्राइस को कंपेयर करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि अमेजोन पे ये बिक रहा है, इसका जो एक सेलर बेच रहा है जो दोस्तों 47,990 में, दूसरा सेलर बेच रहा है 49,260 में जिसमें फ्री डिलीवरी है, डिलीवरी सारे में है, और 49,500 में भी एक में बिक रहा है जो गैजेट जोन 2020 है, इसमें भी फ्री डिलीवरी है। बात कर ले इसमें कैमरा में क्या क्या आपको मिल रहा है, कैमरा और उसके साथ इसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिल रहा है दोस्तों, ताकि आपका स्टोरेज के लिए ये हो सके। और यहाँ पर हम बात करें कि आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है, देखिए काफ़ी बढ़िया बेहतर लुक में है, फ्लैश लाइट भी है इसमें और काफ़ी बढ़िया देखिए डिज़ाइन है। EOS मॉडल का है, काफ़ी नया मॉडल है और काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं साइड व्यू भी इसका है। और देखिए इसमें इस तरह से इसका LCD जो होता है वो भी इसमें ऐसे आप खोल के देख सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए इसके फीचर्स को देख लेते हैं। इसमें सेंसर लगा हुआ है दोस्तों, APS सेंसर जो CMOS सेंसर है, काफ़ी अच्छा माना जाता है CMOS VLSI टेक्नोलॉजी पे ये डिपेंडेंट है, मतलब बहुत ही कम स्टोरेज में ज़्यादा आपका क्लियरिटी देगा CMOS सेंसर लगने के वजह से। क्या है, बहुत ही कम स्पेस लेके ये क्या है आपको ज़्यादा रिजोल्यूशन का कैमरा देगा। और लार्ज प्रिंट, मतलब अगर आप बड़ा इसको प्रिंट भी कराते हैं या क्रॉप भी करते हैं तो दोस्तों हाई रिजोल्यूशन के साथ ये मतलब लार्ज बड़ा पिक्चर, जैसे क्या होता है हम अक्सर क्या है हम छोटे इमेज को देखते हैं तो उसमें तो क्लियरिटी दिखती है, अगर हम उसे प्रिंट कराने जाते हैं या तो हम उसे क्रॉप करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो पिक्चर फोटो है जो वो फटने लगता है, तो वो क्लियरिटी मतलब ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ से आप बचोगे क्योंकि इसमें CMOS सेंसर दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा है कि आप अगर बड़ा प्रिंट कराते हो या इस इमेज को क्रॉप भी करते हो तब भी आपका इमेज हूबहू वैसा ही क्लियरिटी के साथ प्रिंट होगा। और इसमें दोस्तों ये ISO सेंसिटिव रेंज है इसका 1000 से 25600 का है और गेन फ्री पिक्चर है स्पेशली इन लो लाइट, लो लाइट में एकदम बढ़िया क्वालिटी का पिक्चर देगा आपको। और इसका इमेज प्रोसेसर जो है दोस्तों Dgr8 है और 143 ऑटो फोकसिंग पॉइंट है, मतलब आपको मतलब 143 ऑटो फोकसिंग पॉइंट का मतलब होता है कि स्पीड और एक्यूरेसी को ये ऑटोमेटिक क्या करेगा अपने स्पीड के हिसाब से ये इमेज ले लेगा, मतलब ऑटो फोकस कर लेगा। मान लीजिए कोई
मूवेबल इमेज का भी आप फोटो ले रहे हैं तो आप उसको एकदम क्लियरिटी के साथ ले सकते हैं, बैकग्राउंड के साथ या ब्लर करके ले सकते हैं। लेकिन जो मूविंग वाला फोटो भी होता है, मूविंग वाला इमेज अगर हम खींचना चाहते हैं, जैसे कहीं खिलाड़ी का खींच रहे हैं, कोई दौड़ते हुए या कोई प्लेन उड़ते हुए या गाड़ी चलते हुए खींच रहे हैं, तब भी ये क्लियर फोटो देगा इसमें। तो इसीलिए ये ऑटो पे, ये ऑटोमेटिक, ये स्पीड के हिसाब से ये एक्यूरेसी को सेट कर लेता है, और जो ब्लर इमेज आना चाहिए वो नहीं आता, एकदम क्लियर इमेज आता है। और ये वीडियो रेजोल्यूशन, इसमें 4K वीडियो आप ये कर सकते हैं, और आप खुद से मैनुअली कंट्रोल है, मतलब ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको। और सेलेक्टेड फ्रेम रेट, मतलब जो स्पीड से आपको वीडियो को ये करना है, हाई क्वालिटी में, और जैसा क्वालिटी का आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है वैसा रिकॉर्ड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इसमें है, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, NFC से कनेक्ट कर सकते हैं, और रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं, जो कैमरा से आप ये कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र कर सकते हैं पिक्चर वायरलेस के थ्रू। हाँ, और इसमें क्या है, लेंस लगता है कैनन का EF-M माउंट लगता है, जो लेंस है इसमें आप देख सकते हैं आगे लगा हुआ है एक लेंस, उसमें आप पढ़ भी सकते हैं, EF-M 15-45 mm का लेंस लगता है। तो दोस्तों, और भी लेंस आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। तो ये हो गई इसके फीचर्स एंड डिटेल्स के बारे में। जैसे इसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए खरीदते हैं, तो इसके साथ आप अगर कैनन का जो ये कैमरा खरीदते हैं उसके साथ आपको लेंस तो मिलेगा ही, जो 47,791 में मिलेगा, प्लस कैनन का EOS M माउंट एडाप्टर अगर आप खरीदना चाहते हैं उसके साथ आपको 5,500 रुपये पे करना पड़ेगा, प्लस आपको अगर इसके साथ और दूसरा जो 50 mm का लेंस है वो 1.8 STM लेंस, कैनन का जो DSLR का कैमरा का जो प्राइस है 7,899 रुपये। तो तीनों प्रोडक्ट एक साथ अगर आप खरीदते हैं तो 61,190 रुपीज़ में मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस लिंक से अगर आप खरीदते हैं तो इससे भी सस्ता मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए आपके लिए कितना ऑफर है दोस्तों, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, और आप वहां उसी लिंक से जाएंगे तो आपको क्या है कि इस पर फ्री डिलीवरी का भी ऑफर मिल जाएगा, आपको ये बाय करने पे फ्री डिलीवरी लगेगा, डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऊपर से 10%, 5%, 20% जो भी है आपको ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि इसका एक्चुअल जो प्राइस है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसका एक्चुअल प्राइस 57,000 के आसपास है, लेकिन आप अभी खरीदते हैं तो इसको आपको बहुत अच्छे खासे ऑफर में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंपैरिजन। इस वीडियो में जैसे हमने पहले बताया था कि हम कंपेयर भी करेंगे इसे, तो कैनन का EOS M50 को हमने कंपेयर किया सोनी का अल्फा ILCE 600L 24.3 MP के साथ, वो भी मिररलेस है, जो डिजिटल SLR है, कैमरा है, और उसके साथ 16-50 mm का आपको लेंस मिलेगा, और फास्ट ऑटो फोकसिंग IAF लाइट वेट का कैमरा है, और उसके साथ हम कैनन के अलग मॉडल को भी एक बार आपके साथ इसी वीडियो में कंपेयर कर रहे हैं, कैनन का EOS M 200 को, जिसमें आपको 15-45 mm का लेंस मिल जाएगा, और ये भी वही है 24.1 MP का, और 16 GB का मेमोरी कार्ड भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ हम अलग एक ब्रांड भी इसमें कंपेयर करेंगे जिसका नाम है पैरासोनिक, लुक मिक्स G7 16 मेगापिक्सल का है, 4K मिररलेस, इंटरचेंजेबल लेंस है इसमें और कैमरा किट के साथ, और 42 mm का लेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर प्राइस वाइज बात करें और रेटिंग वाइज बात करें, तो रेटिंग तो अगर देखते हैं तो M30 में जो है दोस्तों 76 लोगों ने रिव्यू किया है 4.5 का, और वहीं अगर साथ ही सोनी अल्फा का बात करें तो उसमें क्या है 101 लोगों ने रिव्यू किया इसमें भी 4.5 का, और वहीं जो M200 का बात करें तो आउट ऑफ 5 3 का रेटिंग मिला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनासोनिक वाला जो है इसका आउट ऑफ 5 3.5 का रेटिंग है। प्राइस वाइज दोस्तों अगर बात कर लें तो एम
M30 जो है कैनन का 47,791 में मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको जो सोनी का अल्फा है 39,799 में मिल रहा है, और वहीं M200 जो कैनन का है 39,999 में मिल रहा है, और इधर आप देख सकते हैं पैरासोनिक का जैसे स्क्रीन में दिखा रहा है 35,800 में मिल रहा है। फ्री शिपिंग डिलीवरी सभी में है, आपको डिलीवरी फ्री मिलेगा। और जो डिस्प्ले साइज़ बोलते हैं दोस्तों, वो सभी में 3 इंच का डिस्प्ले साइज़ है, और स्टेबलाइजेशन जो है इमेज का वो कैनन का जो M30 है उसमें है, बाकी सब में नहीं है। मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए वो है मतलब उसमें। और आइटम डायमेंशन जो है, जैसे मान लीजिए लेंथ ब्रेथ हाइट जो बोला जाए, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमने दिया हुआ है 5.84 × 11.68 × 8.89 का सेंटीमीटर का है, और आप इधर देख लीजिएगा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मतलब ये किया गया है, और वैसे ही सारे में है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आप सबसे पहले बता दो इसका वेट जो है, वेट जो है M30 का है 388 ग्राम, और जो अल्फा है सोनी का 344 ग्राम का है, और साथ में आपका जो M200 है कैनन का 300 ग्राम का है, और ये जो पैरासोनिक का है ये आपका 650 ग्राम का है। तो पैरासोनिक का काफ़ी ज़्यादा वेट है, मतलब ज़्यादा वेट होने से क्या है दोस्तों, हाथ में लेते लेते हाथ दर्द करने लगता है और प्रॉब्लम होता है, तो लाइट वेट होने से थोड़ा ठीक होता है। तो ये कैनन का मतलब जो है लाइट वेट है, और सोनी का अल्फा भी लाइट वेट है। और बैटरी का जो कितना वॉट लेता है 1 घंटे में, जो 6.3 वॉट, और कैनन वाले में M30 में, और सोनी का अल्फा जो 2.3 वॉट का है पर आवर पे, और 1 घंटे में 6.3 वॉट का इस पे है, और 8.7 वॉट तो सबसे ज़्यादा ये लेता है पैनासोनिक का 8.7 वॉट का। और जो बैटरी है लिथियम बैटरी पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग विद इक्विपमेंट सारा एक ही है, और जो लिथियम बैटरी का वेट है 79.4 ग्राम का है आपका M30, और सोनी का अल्फा जो है 0.8 ग्राम का है, काफ़ी लाइट वेट का बैटरी है, और इसमें M30 का है, सॉरी M30 बोल रहा हूँ, M20 200 जो है 0.2 ग्राम का है, और पैनासोनिक में भी 0.2 ग्राम का बैटरी है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन जैसे कि हमने पहले बताया दोस्तों कि जो M30 जो है कैनन का, इसका 24 मेगापिक्सल का है, और हाई काफ़ी होता है 24 मेगापिक्सल में, एकदम 4K क्वालिटी का, एकदम बढ़िया क्वालिटी का इमेज आता है, हाई रेजोल्यूशन है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, साथ में सभी में लगभग वही है। बस ये है कि आपका सोनी में 25 मेगापिक्सल है, ये थोड़ा ज़्यादा और है, और M200 जो कैनन का है 24 मेगापिक्सल का है, और पैरासोनिक में भी आपने देखा था 16 मेगापिक्सल उसमें बताया हुआ है। तो मैक्सिमम शटर स्पीड जो है 30 सेकेंड का है इसमें, और इसमें 1/60 का है। मॉडल नंबर जैसे कि हमने स्क्रीन में दिखा रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्टिकल जूम जो है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स आप जूम कर सकते हैं, और सोनी का जो है अल्फा है उसमें 10 टाइम जूम कर सकते हैं, और कैनन वाले M200 में भी 3 टाइम जूम कर सकते हैं। तो अब बात कर ले दोस्तों कि EOS मतलब यह है कॉम्पैक्ट इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा है, और फोटोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है, वीडियोग्राफी के लिए बहुत बढ़िया है, हाई रेजोल्यूशन का अल्ट्रा हाई डेफिनेशन के साथ है, 24 मेगापिक्सल का वीडियो भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और स्नैप आई कैचिंग फोटो आता है इसमें, और काफ़ी सीमोस सेंसर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के साथ में, और टच स्क्रीन LCD है इसका, और बहुत ही फास्ट और इम्प्रूव डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकसिंग सिस्टम लगा हुआ है इसमें, काफ़ी बढ़िया है सब्जेक्टिव ये बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हैं इमेज इसके काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है, एकदम क्लियरिटी के साथ हर एक बारीकी से बारीकी
आपको 4K, देखिए 4K USD जो पिक्चर क्वालिटी, आप एक मान लीजिए एक स्पेस का फोटो ले रहे हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर जगह को फोकस करें और फोकस करके वहाँ का इमेज भी आप एकदम क्लियरिटी ले सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया है। सीमोस सेंसर लगा हुआ है इसमें, तो काफ़ी बढ़िया मतलब दोस्तों है ये जो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाके आप डिटेल चेक कर लें। और अगर आपको ये ख़रीदना है दोस्तों, तो हमने वहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक से अगर जाके आप ख़रीदोगे तो आपके लिए 20-30% जो भी है ऑफ़र मिलेगा। वो ऑफ़र आप जाके उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से चेक कर लो कि आपके लिए कितना ऑफ़र मिल रहा है। हो सकता है 10% भी मिल जाए, 5% भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए वहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए कितना ऑफ़र है, उसके बाद आप वहाँ से ख़रीद लें दोस्तों। और वहाँ से आप ख़रीदोगे तो आपको फ्री डिलीवरी भी मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए और आगे वीडियो बनाने का। कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।